everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostic. Sweatro always exposes darkness, guys. So kaise hai sab log? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है. वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. ओके, सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है. तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो टेक द गाइडेंस. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गाइडेंस की बात करेंगे. अच्छा, फुल मून का रीडिंग जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, ठीक है. फुल मून रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो फुल मून है वो है स्टार्जन फिश फुल मून. तो उसके लिए मैंने मतलब जो लव वाला रीडिंग्स है वो भी दे दिया है, आपके फ्यूचर वाला रीडिंग है वो भी दे दिया है. तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, एक तो आई बटन पे जा रहा होगा, ठीक है. सो लेट्स सी, यहाँ ये जो रीडिंग है ये आपके संबंधित हो सकता है पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स का, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है. इंस्टाग्राम में मैं रील्स देती हूँ, और एंजल नंबर्स के लिए यूट्यूब स्टोरीज भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ. सबके लाइफ के लिए बेस्ट करो, सबको अच्छा रखो, खुश रखो, ताकि आपको भी जिंदगी में खुशहाली मिले. देखो, पहले जो चीज़ है मैं देखने की कोशिश करूंगी वो है करंट सिचुएशन पे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है. सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में करेंटली क्या चल रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन करेंटली इन देयर लाइफ. उनके करंट सिचुएशन किस तरह से है, करेंटली उनके लाइफ में क्या चल रहा है. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट मैनर. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स. उनके करंट हालात किस तरह से चल रहे हैं. हैप्पी फैमिली, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके. कम्युनिटी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये. ब्रोकन हार्ट, सॉरी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड वी हैव द डिसीड. अच्छा, ये तो आना ही था, ये आना है तो इसको आना ही है, ये जुड़वा है. बॉटम ऑफ द डेक, केयरिंग कनेक्शंस, ठीक है. ये है आपके करंट हालात, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली आपका रिलेशनशिप, मैं पहले पर्सनल बता देती हूँ उसके बाद करियर में बता रही हूँ. आपके रिलेशनशिप किसी एक ऐसे इंसान के साथ था जिसके ऊपर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया. पूरी आँख बंद करके हम ट्रस्ट करते हैं ना, चलते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. तो आपने चला एंड डेफिनेटली उसके बदले में रिटर्न जो मिला वो ये है, ठीक है. जिस किसी ने भी ऐसा किया है, ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ वुंड्स. जो आपके जो मतलब हालात है ना, मुझे इस तरह से लग रहा है कि जिस फॉर एग्जांपल अगर एक लकड़ी को, ठीक है, एक उसको क्या बोलते हैं, सॉ मशीन के अंदर डाल दिया जाए ना, तो उसका हालत तो हम नहीं समझेंगे, बिकॉज उसके अंदर लाइफ नहीं है, जान नहीं है. लेकिन अगर किसी को ऐसे ऐसे काटा जाए तो इस तरह से हालात कुछ इसी तरह से है. मतलब सच अ पेनफुल कंडीशन, मतलब जल ऑलरेडी जला हुआ है, उसमें नमक छिड़क रहे हैं, स्प्रिंकलिंग सॉल्ट ऑन द वुंड्स, इट्स लाइक दैट. आपका जो चक्रज है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग के चक्रज में यहाँ पे इम्बैलेंस है, नो. आपने देखो तो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आप हमेशा ऐसी किसी रिलेशनशिप की तलाश में थे, हमेशा रहे हो और आगे भी रहोगे, जो आपको कन्फर्मेशन दे कि आपके साथ जिंदगी तक उनका साथ रहेगा, वरना नहीं, ठीक है. लेकिन खास आपको उसी जगह पे पॉइंट ऑफ टाइम पे वहीं पे धोखा मिला है. अगर हम बात करें आपके प्रोफेशनल, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप चाहते हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी फैमिली जो है उसमें कंप्लीट सपोर्ट दे, ठीक है. आपके माता पिता, भाई बहन जो भी है, आपको कंप्लीट सपोर्ट मिले. आपके अगर पार्टनर है तो उसका कंप्लीट सपोर्ट मिले, लेकिन शायद वो नहीं मिल रहा है. या ऑफिस में ऐसा हो सकता है, या आपने किसी से
किसी के ऊपर भरोसा करके किसी को पैसा दे तो दिया था लेकिन उसने रिटर्न नहीं किया। आपने भरोसा करके दिया लेकिन रिटर्न नहीं किया है पैसा को, ठीक है, अभी तक वो पेंडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपको कुछ फॉर्म्स में साइन करवाया गया लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब वैलिडी नहीं है, इस तरह से ऐसा कुछ हालात हुआ होगा डॉक्यूमेंट्स को लेके। कुछ आपको दिखाया गया फेक डॉक्यूमेंट्स और आपसे साइन करवाया गया, कुछ अलग सा ही यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं। कुछ लोग आपके अगेंस्ट में जाके र्यूमर्स फैलाए हैं, आपके बिजनेस पे एरिया के हो सकते हैं, ऑलरेडी फैला दिया है और आपने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, ठीक है, आपके टैलेंट, आपके प्रोग्रेस, सबको जलन आती है, दे आर लिटरली जेलस, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और कोई पर्टिकुलर तीन लोग मिलकर ऐसा किए हैं, मुझे दिख रहा है तीन से चार लोग मिलकर ऐसा किए हैं। और जब भी अगर हम पर्सनल लाइफ का फिर से बात करें, चाहे आप किसी भी एज का हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप इस तरह के रिलेशनशिप को क्रेव करते हो, सब लोग चाहते हैं ना सोलमेट कि मेरा मुझे कोई प्यार करे, ठीक है, मुझे कोई केयर करे, मुझे कभी भी कोई धोखा ना दे, क्योंकि मैं तो किसी को धोखा नहीं देती हूँ ना लाइफ में, तो मुझे क्यों धोखा मिलेगा। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, या अगर हो भी रहा है आपको भरोसा नहीं है उस इंसान के ऊपर जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आपको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज ऑलरेडी है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैड सफर्ड। अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, वैकेशन में जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप प्लानिंग कर भी रहे हो वैकेशन या ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप ही सही, या आप योगा मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कुछ हीलिंग थेरेपीज करें ताकि आपके जो तकलीफ है, जो सीने में जो दर्द है, वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाए, ठीक है। और कई ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, 360 डिग्री मतलब सारे एंगल से धोखे हो रहे हैं, करियर में भी, लव लाइफ में भी। आप अगर एक स्टूडेंट हो तभी भी, ठीक है, पार्शियलिटी आपने देखा है, ऑफिस में ज्वाइन करते हुए भी आपने देखा है पार्शियलिटी होते हुए, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूंगी, दैट्स अ वेरी बिग टर्म, ठीक है, फिर भी हुआ है आपके साथ। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो लेकिन आपको वो जगह नहीं मिला, ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे सिचुएशंस दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो खुशियाँ, जितना आप खुशियों के खुशियाँ मतलब बांटना चाहते हो लोगों से, लेकिन आपने सिर्फ दिया है लोगों को, मैं नहीं बोल रही सिर्फ अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर किया है बहुत कुछ चीज़, और उल्टा वही आपके पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, ठीक है, उस तरह से है। दूसरा है, आपने फ्रेंड्स के लिए भी अगर कुछ किया, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने नोट्स उसके लिए दे दिया, लेकिन वो ना बदले में जब उसका टाइम आया, जब उसने देखा कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसने आपको कुछ बताया नहीं, ठीक है, नाम के फ्रेंड और एंजॉयमेंट के लिए ही फ्रेंड। आपके समाज में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं और उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे हो। आपको लग रहा है कि रिश्ता फ्यूचर में जाके आपके फैमिली, आपके समाज, आपके जो भी है सोसाइटी, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शस हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ जॉब आप करना चाहते हो लेकिन शायद आपके फैमिली नहीं करने दे रहे, या कुछ बिजनेस आप करना चाहते हो लेकिन आपके फैमिली नहीं करने दे रहे हैं, दे आर नॉट अलाउिंग यू टू डू सो। अभी हम देखते हैं गाइस कि नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मैं इस डेक से ही बोलने वाली थी, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे स्वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फायर साइन भी है, इज लियो, सजिटेरियस। बेसिकली अभी जो सिचुएशन है, यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी, मे बी आपके घर मतलब रिलेटेड भी हो सकता है कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे सेटल नहीं हो, या आपके ट्रांसफरेबल जॉब से आप नहीं चाहते हो उस तरह का, ठीक है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या है, क्या होगा आपके ज़िंदगी में, नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या खास होगा आपके ज़िंदगी में, ऐसा क्या खास होगा आपके ज़िंदगी में, कुछ खास तो ज़रूर होगा आपके ज़िंदगी में, डोंट वरी, अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, तो जब से आप देखोगे तभी से ये वैलिड रहेगा, सो टाइमलेस है गाइज, ये याद रखिएगा। सो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या होगा,
आई एम सॉरी, हाँ मैं पहले ही साइंस में बता देती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सिचुएशन के ऊपर देख रही थी, ऐसे भी देखा ही जाता है एनर्जीज़ के ऊपर। फिर भी नेक्स्ट 72 आवर्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ऑल राइट, 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ एथम्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है? ओके, 5 ऑफ कप्स, द सन, वाओ माय फेवरेट कार्ड, वाओ, 6 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। कर्क वृश्चिक मीन राशि यहाँ पे है लियो, सिंह राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द नंबर 5, द नंबर 6, द नंबर 19, दैट इज 10, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है इस रीडिंग के बाद, हो सकता है 55 या 555 आप देख रहे होंगे, या 3, 55, 33, इस तरह का एंजल नंबर्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस कार्ड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसके नीचे है किंग ऑफ कप्स, हम देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसका बात कर देते हैं। मेजर अगना से निकला है सन, ऑफ कोर्स सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह से सिचुएशन बदल सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा भी नहीं था। आप सोचे थे कि वही जिंदगी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, बोरिंग सा, ठीक है, और पूरी तरह से मतलब मोनोटोनस, जिसको बोला जाता है रिपीटेड वही चीज़ करना, रूटीन वर्क करना, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसा प्लानिंग करो या आपके फैमिली कुछ ऐसा प्लानिंग करे कि कहीं जगह पे घूमने जाए, ठीक है, घूमने जाने का दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कहीं जा रहे हो ट्रिप में ड्यूरिंग द वीकेंड, या इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मैं नहीं बोलूँगी कि यस सोलमेट हाजिर हो जाता है 72 आवर्स में, बट यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो आपके जो सोल पार्टनर है, शायद आपको कन्फ्यूशन में था थे आपकी कौन हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक, नेक्स्ट 72 आवर्स तक, ठीक है, आपका हो सकता है कि आप कन्फर्म्ड हो जाओ दैट हु इज़ योर सोलमेट रियली, क्योंकि आपके अंदर ना अवेकनिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आफ्टर सेपरेशन, डिवोर्स या कुछ भी हो, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, ठीक है, और इस दौरान आपने बहुत कुछ चीज़ महसूस कर लिया, ठीक है, आपने ऐसा सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उस बारे में फोकस करोगे जहाँ पे आपने फोकस करना ही बंद कर दिया था, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट में था पहले, उसके बाद आपने बंद कर दिया इंटरेस्ट लेना, फिर से आप इंटरेस्ट उस हॉबी हो सकता है, उस कोई चीज़ हो सकता है जो आप चाहते हो करना लेकिन आपने बंद कर दिया था बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ ऑब्स्टकल्स आ रहे थे या आपका दिल टूट चुका था कुछ चीज़ों को लेके। सपोज आपने गाना सुनना ही बंद कर दिया था क्योंकि गाना सुनने से ही आपको लगता था कि नो नो नो, फिर से मैं वही उलझन में नहीं रहना चाहता। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, वो कुछ भी हो सकता है। मैं लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे लिखने से ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट मतलब ऐसा टेंशन हो जाता है कि वो मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा जो आपने करना बंद कर दिया था बट फिर से वो स्टार्ट करोगे। आपके फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होंगे बट शायद आप किसी काउंसलर के पास जाओगे, एडवाइज़र के पास जाओगे या अपने बॉस से सलाह परवाह मतलब लोगे कि हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको दे दिया गया या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया गया है, सो आप अपने सीनियर को, ठीक है, आप ऑफन कंसल्ट करोगे कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, या फाइनेंशियल हेल्प अगर आपको लग भी रहा है तो शायद आप मैनेज भी कर लोगे फंड्स को, ठीक है। जितना भी कठिनाई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, नेक्स्ट यू कैन से दैट 72 आवर्स के अंदर आप उस स्टैमिना और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे
और कोई भी चैलेंजेस को आप पीछे हटा दोगे। कहीं ना कहीं पे आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अगर उम्मीद में थे कि यस मेरे साथ डेफिनेटली एक दिन जस्टिस ज़रूर होगा, मेरा साथ इंसाफ ज़रूर होगा, ठीक है, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, लीगली कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो भी वहाँ पे एक रिलीफ का साइन आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाए, या किसी ने अगर आपके अगेंस्ट में फॉल्स केस दिया था तो वो भी अपना जो है वो हटा ले, ऐसा हो सकता है, बट स्टिल यू शुड कंसल्ट अ लॉयर, ठीक है। कहीं ना कहीं पर मुझे दिख रहा है आप यस यू विल फाइंड बैलेंस इन एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए 11-11 भी आप देख सकते हो, ठीक है, 11-111 इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आप थोड़ा सा भी श्योर रहे कोई भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले, मतलब ज़रूर निश्चित रहे कि वो इंसान का बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, अगर आप उसके साथ डीप रिलेशनशिप में जा रहे हो उससे पहले। मुझे यहाँ पे ये भी थोड़ा सा दिख रहा है कि मे बी यू गेट बिट्रेयल, ठीक है, सो या हो सकता है कि किसी ने झूठ कहा था आपसे, शायद उसके बारे में आप जान जाओ। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टफ कंपटीशन अगर आप दे रहे थे तो वहाँ पे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या कोई भी हायर पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे थे, मे बी यू गेट एन इंडिकेशन, बट आप का जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कि नेशनल बेस्ड एग्ज़ाम हो, इंटरनेशनल बेस्ड एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा जगह पे, ऐसा जगह पे एंट्रेंस हो कि जहाँ पे स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स हो रहे हैं, तो उस जगह पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली देयर यू कैन गेट अ चांस, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यस यू विल गेट, अगर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखा है ऑलरेडी एंड यू आर देन चेकिंग दिस रीडिंग, सो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपके ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत दिनों से आपको कुछ फेवरेबल सिंबल्स या ड्रीम्स दिख रहे थे, तो यस इट कैन बी, ठीक है, क्योंकि नेट क्वालिफिकेशन करने से पहले मुझे थोड़ा सा सिंबल्स और ड्रीम्स भी दिखाई दिया था फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने इसलिए शेयर किया कि आपको शुभ शुभ कुछ दिखाई देगा, ठीक है, आपके जो मजहब है उनके देवता या देवी का पिक्चर आपको दिखाई देगा सपने में, या आपको फील होगा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिंबल्स विल फील। बट थोड़ा सा आप अलर्ट रहना, स्पेशली इन योर लव लाइफ, अगर आप किसी से मिल भी रहे हो, सपोज यू आर ऑन अ वैकेशन या आप मिल रहे हो किसी को ऑफिस में, बिना जान पहचान किए भी या बिना जाने उसके बारे में अपना सीक्रेट्स जो है, अपना जिंदगी का एकदम सीक्रेट 2-3 दिन में उनके साथ शेयर नहीं करना, वरना प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम आप तो बताते नहीं हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो, नेगेटिव आ रहा है तो मैंने बताया, ठीक है, पॉजिटिव आएगा अगर ऑल कार्ड्स पॉजिटिव आ रहा है तो भी मैंने बताया, तब भी आप लोग बोल रहे थे अरे एक कार्ड नेगेटिव नहीं आया, तो आप लोग चाहते थे नेगेटिव, अगर लोग आप लोग यार पागल हो जाते हो कभी कभी तो, ठीक है। अच्छा देखो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आई डू फील दैट दे विल गिव यू फुल सपोर्ट, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, बट वो देंगे, वो भी हो सकता है कि वो आपको मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे, या कुछ इश्यूज़ है आपके लव, आप जिस इंसान से प्यार करते हो उससे शादी करना है आपको, शायद आप कन्विंस भी कर लोगे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, जो जिसके हिसाब से लेंगे, अभी देखो क्या आता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, यहाँ से हम देखेंगे। मैंने क्यूब्स रीडिंग भी किया है, आप लोग प्लीज देखना है उसे, ठीक है, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, और भी क्यूब्स मैंने दिया है ऑर्डर करना, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए आ भी क्या रहा है, देखो मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, आपके जो अंदर जो एक क्रिएटिव टैलेंट है, आर्टिस्टिक जो एक, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, कुछ आप ऐसा बंद कर दिए थे, यू आर स्टॉप्ड बट अगेन यू विल स्टार्ट, शायद आप उम्मीद छोड़ दिए थे कि नहीं होगा, बट आप फिर से स्टार्ट करोगे, जॉय एंड डिलाइट एंड गिव इट टू पैशन,
इस तरह से म्यूजिक के बारे में मैंने कुछ कहा था कि आपने म्यूजिक सुनना बंद कर दिया है, प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, या आपने कुछ भी कल्चर रिलेटेड कुछ करना बंद कर दिया, या अपना जो आप फेवरेट चीज हुआ करता था उसको करना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल डांस क्लास में जाके किसी के साथ मुलाकात होना और प्यार होना, फिर जाके वहां से अगर धोखा आता है तो आपको शायद ऐसा लगा हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लगा होगा नहीं मुझे डांस नहीं करना क्योंकि मुझे वो सब याद आ जाते हैं, मुझे नहीं करना। इस तरह से ऑफिस में जा रहे हो, किसी के साथ मुलाकात हो रहा है और फिर वो क्या कर रहा है, फिर उल्टा आपको धोखा दे रहा है, तो आपको लगेगा ही ना कि आई विल नॉट गो टू ऑफिस, बेटर मैं अपने घर में जो भी हूँ वो कर लेते हूँ। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड फॉलो योर पैशन। आपके इमोशंस, ठीक है, आपके एम्बिशन से बड़े नहीं हो सकते, ये एक फिलोसोफर ने भी कहा है और मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके इमोशंस आपके एम्बिशन से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, एंड लिसनिंग टू विजडम, जो आपको ज्ञान बांटा जा रहा है कहीं से भी, कोई भी चैनल से बटा जा रहा है, तो उसको सुनो। ठीक है, एंड डेफिनेटली लिसन टू योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, अगर कौवा भी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, बार बार रिपीटेड आपको कुछ ऐसे बर्ड्स का रिपीटेड धुन सुनाई दे रहा है, तो मतलब कुछ है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, डेफिनेटली। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब। मुझे लग रहा है जिस वक्त आप इस रीडिंग देख रहे होंगे ना, बहुत भूख लगा होगा आपको या बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिकॉज मैं इस रीडिंग को ब्रेकफास्ट से पहले कर रही हूँ, सो आई फील लाइक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.